हेलो स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक दो क्वेश्चन मैं बता दूँ और आपकी यूनिट कवर हो जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपको एक यूनिट में से मैं आपको लिमिटेड तीन चार क्वेश्चन बता दूँ या पाँच बता दूँ। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि पाँच में से उन पाँच में से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स वाली यूनिट में मैंने 9 क्वेश्चन लिए हैं टोटल। तो टोटल 9 क्वेश्चन जो है इनमें से चांस ज़्यादा है आने के। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन का जो है मैट्रिक्स वगैरह चेंज हो जाए, या बात ये कहे कि भाई डेटा चेंज हो जाए, बट क्वेश्चन सेम रहेगा। यानी कि उसका प्रोसीजर सेम रहेगा, करने का जो प्रोसीजर होगा वो सेम रहेगा। तो मैट्रिक्स सेकंड जो यूनिट है, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मल फॉर्म पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और मुझे ये लग रहा है ज़्यादा चांस जो है वो फोर्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स के हैं, और यहाँ फोर्थ ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स यूज़ में ली है, देखिए आप। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा चांस है कि फोर्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स पे ही क्वेश्चन बने रैंक का। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये बहुत, ये जो स्पेशली क्वेश्चन है, इसका मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये एग्ज़ाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x+3y+5z=9, 7x+3y-2z=8, 2x+3y+λz=μ हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक में से है। यहाँ हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ के लिए हमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, कोई भी सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसा किस कंडीशन पर होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है, एग्जामिन वेदर द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इफ पॉसिबल फाइंड इट्स सॉल्यूशन। और यहाँ सिस्टम जो है लीनियर इक्वेशंस का वो है 2x+6y+11=0। दूसरा इक्वेशन है 6x+20y-6z+3=0। तीसरा क्वेश्चन है 6x-18z+1=0। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, यहाँ पे ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में ही आप देखिए 2x+6y+11=0 है। तो यहाँ देखिए आप, जेड वाली कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब जेड का कोफिशियंट 0 है। सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों है, 3 जो है प्लस का उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में। और तीसरी वाली जो इक्वेशन है इसमें एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स का कोफिशियंट 0 है। ठीक है ना, तो आप इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। हाँ, ये है कि एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है वैल्यूज चेंज हो जाए, बट क्वेश्चन सेम ऐसा ही रहेगा, प्रोसीजर सेम होगा क्वेश्चन को करने का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज सॉल्व इट। देखिए, ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। यहाँ चार इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी, कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर्स पे है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स लिए मैंने थर्ड ऑर्डर की, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर्स पे मोस्ट प्रोबेबली ये रहती है कि चांस ये रहते हैं कि थर्ड ऑर्डर की ही मैट्रिक्स देता है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है बंदा। तो ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स पे जो है क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। देखिए ये वाला क्वेश्चन वापस से मैंने कंसिस्टेंसी का लिया है। कई बार ऐसा होता है कि एक्स वाई जेड नान लेकर के जो क्वेश्चन है उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की फॉर्म में लिया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन है, यहाँ तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, और यहाँ वेरिएबल जो लिए हैं एक्स वाई जेड ना लेकर के हम ये क्या लिए हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो ये भी सेम वैसे ही होगा, बस ये आप देख लीजिए कि एक्स वाई जेड की जगह बस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिया गया है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, आप इसको आराम से कर लेंगे, कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक है। सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे अभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। हमें यहाँ इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। प्रूव दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ए एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये केले हैमिल्टन का थ्योरम है, सॉरी केले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो देखिए पर यहाँ लैंग्वेज थोड़ा अलग है तो केले हैमिल्टन थ्योरम, बस लैंग्वेज कुछ अलग करके लिख दिए। तो आप इसको केले हैमिल्टन थ्योरम वाले मेथड से कर लेना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट केले हैमिल्टन थ्योरम एंड वेरीफाई इट फॉर द मैट्रिक्स एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वाला सेवन्थ नंबर, और ये वाला जो क्वेश्चन है एट नंबर, एक ही बात है, दोनों एक ही, दोनों का को सॉल्व करने का एक ही प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम है। तो आप कर लीजिएगा इसको। और लास्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये लिया है डायगोनल फॉर्म वाला। हमें ये जो मैट्रिक्स दी गई है माइनस वन वन टू जीरो माइनस टू वन जीरो जीरो माइनस थ्री, इसको डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है एंड फाइंड द मैट्रिक्स विच हेल्प्स टू डू सो। तो हमें वो वाली मैट्रिक्स भी निकालनी जो इसको डायगोनल फॉर्म में चेंज करने के लिए हेल्प करती है। तो ठीक है वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, मैट्रिक्स पी बनाते हैं हम। तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिए मैंने सारे, आप इनको मेरे चैनल पे जाइए। मेरे चैनल पे जाने का मतलब ये है आप प्रकाश कुमार कहीं पे भी टाइप कर दीजिए, मेरा चैनल आपको दिखाई देगा, मेरा फोटो देखेगा। आप उस चैनल पे जाइए, उस चैनल पे जाकर के आप देखेगा वहाँ अलग अलग ऑप्शन होते हैं चैनल पे जाने के बाद। वीडियोस, जैसे कि वीडियोस आता है, चैनल आता है, सॉरी प्लेलिस्ट आता है, और अबाउट आता है, अबाउट चैनल। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आराम से। हर एक टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब बात करते हैं कि भाई सर आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक दो क्वेश्चन से पूरी यूनिट कवर तो होनी नहीं है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिए। अब इसमें मैंने क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से लिया है, पर आपको कौन सा टॉपिक करना है वो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो लेक्चर डाला था इससे जस्ट पहले आप लेक्चर देखेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से करना है, तो वहाँ से आप अपने टॉपिक्स चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ मैंने देखिए सबसे पहले मैंने टॉपिक ये पहला क्वेश्चन जो लिया है ये रैंक पे लिया है, फिर दूसरा वाला मैंने जो लिया है ये कंसिस्टेंसी पे लिया है, तीसरा वाला भी ये टॉपिक जो लिया है ये मैंने तीसरा वाला ये जो क्वेश्चन लिया है ये भी मैंने कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक से लिया है, और फोर्थ वाला क्वेश्चन जो लिया है ये भी मैंने कंसिस्टेंसी से लिया है, फिर मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से लिया है मैंने क्वेश्चन। तो आप देखिए आपको किस टॉपिक का क्वेश्चन यानी करना है, आपको कितने टॉपिक करने हैं मैट्रिक्स वाले यूनिट में, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी समझा चुका हूँ, पहले वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि सारे टॉपिक करना इतना कोई खास ज़रूरी नहीं है। आप देखिए ये तो सारे टॉपिक करने का मतलब ये है कि ऊपर वाला भी पार्ट कर लिया और पार्ट वाले क्वेश्चन भी हमने पूरा कवर कर लिया, चार क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। एक क्वेश्चन में दो पार्ट आते हैं तो दो और दो चार हो गए, दो ऊपर हो गए, दो और पार्ट में आएंगे, तो चारों क्वेश्चन कर लिए। अगर किसी को लगता है मैं ये चारों क्वेश्चन नहीं कर पा रहा पूरी यूनिट कवर नहीं कर पा रहा, तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चन ले लीजिए, यानी कि सेलेक्टेड टॉपिक ले लीजिए। तो सेलेक्टेड टॉपिक मैंने पहले भी बताए थे, आप रैंक वाला टॉपिक ले सकते हैं आराम से, क्योंकि रैंक वाले टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैंने बताया था कि आप कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक ले सकते हैं आराम से, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला एक टॉपिक उठा सकते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये सिलेक्टेड मैंने टॉपिक्स बताए थे आपको, और अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा पहले का जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है।
तो सेलेक्ट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस वाले लेक्चर में मैं केवल मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं बात करूँगा अगली यूनिट की, यानी कि वेक्टर कैलकुलस। और हाँ, ये जो मैट्रिक्स है इस वाली यूनिट में आपको थोड़ा कम क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगली यूनिट जो है वेक्टर कैलकुलस उसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्योंकि वो यूनिट बहुत बड़ी है। तो आप मेरे वीडियोस को अगर कंटिन्यूअस देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।